फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F55 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी साउंड के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का क्विक पैनल ओपन करना है। ऊपर से नीचे स्लाइड करेंगे तो आपका एक क्विक पैनल आ जाता है, ये वाला, ठीक है। इसमें देखिए आपको है ना ये ऑप्शन मिल जाता है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर का। स्क्रीन रिकॉर्डर पे एक सिंगल टैप करना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेज, ये पेज आता है ना, इसमें आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे टैप करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अगर आपका नोन का ऑप्शन है, नोन के ऑप्शन के सर्कल पे अगर आप टिक मार्क लगा के रखेंगे और फिर इसके बाद स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे तो इससे क्या होगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो आपके फोन में होगी लेकिन कोई भी साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। और देखिए अगर आप इसे मीडिया पे टिक मार्क लगा लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल फोन से जो भी आवाज निकलेगी ना वो आपका रिकॉर्ड होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, ठीक है। और अगर आप इसे मीडिया एंड माइक पे टिक मार्क लगाते हैं तो इससे क्या होगा, रिकॉर्डिंग के समय जो भी कुछ आप बीच में बोलेंगे और जो भी आपके मोबाइल फोन से साउंड की आवाज आएगी, ठीक है, वो भी आपका रिकॉर्ड होगा, ठीक है, तीसरे ऑप्शन से। तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से ऑप्शन जो भी आपको चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको देखिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे टैप करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी देखिए काउंटडाउन खत्म होते ही हमारी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। ये देखिए काउंटिंग यहाँ पे चालू हो चुकी है। अब यहाँ पर आप कोई भी मूवमेंट करेंगे तो वो आपका सारा का सारा रिकॉर्ड होता रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा रुकना है, ठीक है। तो आपके जो दो लाइन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है बीच में, दो लाइन, इसे टैप करेंगे ना दो लाइन पे तो आपका ये जो रिकॉर्डिंग है देखिए यहाँ पे पॉज हो जाती है, काउंटिंग यहाँ पे पॉज हो गया, रुक गई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है ना, रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए भी। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको दोबारा से फिर से वहीं से रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करनी है तो आपको ये रेड कलर का बटन टैप करना है, जो रेड कलर का बटन है, ठीक है। इससे देखिए आपकी काउंटिंग वहाँ पे 12 से आगे चालू हो चुकी है, आपकी रिकॉर्डिंग वहीं से कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर आपको अपने फोन की जो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, वो खत्म करनी है तो आपको एक कोने में जो स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है ब्लैक वाला स्क्वायर बॉक्स, इसे आपको टैप करना है तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी, ये रिकॉर्डिंग आपकी फोन की गैलरी एल्बम में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी साउंड के साथ, ठीक है ना।